गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैक्सवेल बंटन फलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रीवियस क्लास में जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पढ़ा था उसके अनुप्रयोग हम आज देखेंगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने किसी परास सी तथा सी प्लस डी सी परास वेग परास में अणुओं की संख्या जो है वो इस समीकरण के द्वारा दी थी और उसमें प्रायिकता का मान जो है वो इस समीकरण के द्वारा दिया गया है। ओके, अब इसके एप्लीकेशन में सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं कि किसी गैस के निकाय में अणुओं की औसत चाल क्या होगी। कोई भी चीज़ औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो उसमें कुल अणुओं की संख्या और जिस चीज़ का एवरेज निकालना चाह रहे हैं उसको अणुओं की संख्या से गुणा करें। मान लेते हैं औसत चाल निकालना चाह रहे हैं, एवरेज स्पीड है तो स्पीड को अणुओं की संख्या से गुणा कर देंगे और इन सब को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कंटिन्यूस सिस्टम है इसलिए जो यहाँ पर समिशन है वो इंटीग्रेशन में जीरो से इनफाइनाइट चाल वाले अणुओं को यदि हम योग कर दें और उस अणुओं की संख्या का भाग लगा दें तो ये हमारे पास में आ जाती है एवरेज स्पीड, सी बार जिससे डिनोट करते हैं। तो सी बार बराबर हो जाता है 1/n इंटीग्रेशन 0 to ∞ सी डी एन सी। ओके, इसका मान हमें निकालना है तो डी एन सी का मान हम पिछली वाली क्लास में जो निकाला था उसको उपयोग में लेते हैं। ये है 4πn, डी एन सी की जो वैल्यू है वो है 4πn m/2 kT जो है वो स्मॉल b था तो इसको हम b रख दें, तो b/π 3/2 और e^-m/2 kT की जगह b, तो -b c² और ये c² dc, ये डी एन सी है हमारे पास में। इस डी एन सी का मान जैसे कि 4πn भी दिया हुआ है, इसमें 4πn ये आ गया डी एन सी का मान। इस डी एन सी का मान इस समीकरण में रखने पर, इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर रखते हैं c बार बराबर 1/n √0 ∫0 to ∞ 4πn b/π 3/2 e^-bc² c² dc और c जो है वो पहले से ही है एक। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें n से n कैंसिल आउट हो गया, c पर डिपेंडेंट राशि जो है वो समाकलन में रह जाएगी, बाकी की बाहर में क्या आ जाएगा 4πb/π 3/2 और इंटीग्रेशन में बच जाएगा c² c³ e^-bc² और ये dc, ये इसका आ गया एवरेज स्पीड का मान। अब हमें इस समाकलन का मान निकालना है। ये जो समाकलन है, इस समाकलन का मान निकालने के लिए हम एक समाकलन लेते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो है वो i(n) = 0 to ∞ x^(n) e^-bx² और x, यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। इसका कंपैरिजन यदि इससे किया जाए 0 to ∞ c^(n) e^-bc² और dc, तो यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू चेंज, इसको हम c से ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है इसका मान, n का मान चेंज होने पर, जैसे कि n की वैल्यू ज़ीरो होने पर, हम ये कह सकते हैं n बराबर ज़ीरो पर जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा क्या 0 to ∞ n = 0 पर ये 1 हो जाएगा e^-bc² dc। n = 0 पर इस इंटीग्रेशन का जो मान है वो ये आता है 1/2π/b^2। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है।
अब n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो 0 टू इन्फाइनाइट c e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी, और जो इसका मान है वो हो जाता है 1 अपॉन 2b। इसी तरह से n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट c स्क्वायर e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी, ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई अपॉन बी क्यूब की पावर हाफ। n बराबर 3 पर जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट सी क्यूब e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी, इस पर जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन 2b स्क्वायर। और n बराबर 4 पर जो इंटीग्रेशन का मान है वो हो जाता है 0 टू इन्फाइनाइट सी 4 e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी, और इस पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/8 पाई अपॉन बी के पावर 5 के पावर हाफ। इस तरह से ये जो स्टैंडर्ड समाकलन है ये आपको याद रखना है। इसमें अपन याद रखने के लिए गौर करने वाली चीज़ है कि जब n की वैल्यू इवन है, यानी इवन का मतलब 0 है, 2 है, सम संख्या है 0, 2, 4, और एक ओड है, विषम संख्या है 1 और 3। विषम संख्या में 1 में 1 अपॉन 2b, 3 में 1 अपॉन 2b स्क्वायर आ जाएगा। एक में तो 2b रह रहा है, याद करने के लिए ये है, एक रखेंगे n बराबर 1 तो 1 अपॉन 2b, तीन रखेंगे विषम संख्या एक के बाद में 3 आएगी, 3 रखते ही b स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 अपॉन 2b स्क्वायर, इस तरह से याद रख सकते हैं। और यदि सम संख्या के बारे में देखें तो n बराबर 0 पर 1 अपॉन 2 पाई अपॉन बी के पावर अंडर रूट, फिर n बराबर 0 के बाद में सम संख्या 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 की जगह 1 अपॉन 4 पाई अपॉन बी क्यूब आ जाएगा, पहले एक था फिर 3 हो जाएगा हाफ। इसी तरह से 4 पर यहाँ पर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 3/8 आ जाएगा, और पाई बी की पावर 5 1 अपॉन 2, यानी अंडर रूट में पाई अपॉन बी, पाई अपॉन बी क्यूब, पाई अपॉन बी 5, और बाहर की तरफ 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 3/8। इस तरह से ये समाकलन याद किए जा सकते हैं। कहीं पर भी ये स्टैंडर्ड समाकलन ये आए तो उसमें n की वैल्यू अलग अलग होने पर हम इसका मान डायरेक्ट रख सकते हैं, और ओड में 1 है तो 1 अपॉन 2b, 3 है तो 1 अपॉन 2b स्क्वायर। हमारे वाले इंटीग्रेशन में हम ये देखें कि ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में c की पावर n, n का मान कितना है 3, 3 यानी कि इस समाकलन का जो मान है वो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर इस समाकलन का मान आ गया, यहाँ पर ये जो समाकलन है, इस समाकलन की जो वैल्यू है वो आ गई 1 अपॉन 2b स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन 2b स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हम इसको सॉर्ट आउट कर सॉल्व करें तो ये 2 पाई पहले से है ही, बी की पावर हाफ, ये तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, ये आ गया ना, 2 से 2 गया, 2 पाई है, बी है, बी की पावर हाफ है, और नीचे पाई इंटू पाई की पावर हाफ इंटू बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक बी से एक बी कट गया, तो यहाँ पर बच गया 2 अंडर रूट बी अंडर रूट पाई और ये बी। ओके, अब इस बी से बी देखें तो 2 अपॉन अंडर रूट पाई बी। ओके, अब यहाँ पर बी का जो मान है वो हमारे पास में है m अपॉन 2kt, ये आ गया। यदि हम इसको अंडर रूट में ले पूरे को, हमारे पास में आ गया, इसको पूरे को अंडर रूट में ले तो ये 4 अपॉन पाई बी। तो बी का मान रखेंगे यहाँ पर mkt, तो m ऊपर जा करके 8kt अपॉन पाई m, तो एवरेज स्पीड का मान आ गया अंडर रूट 8kt अपॉन पाई m। इस तरह से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन किसी गैस निकाय में अणुओं की औसत चाल का मान क्या होगा वो निकाला जा सकता है, जो कि वैल्यू है अंडर रूट 8kt अपॉन पाई m। ये याद रखना है आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।